हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइड योर नोमैडिक गाइस। सो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं बहुत ही प्यारी लोकेशन को एक्सप्लोर करने के लिए। इसका नाम है दतिया महल। दतिया महल बनाया तो गया था बहुत सारे कारणों की वजह से, मगर वो एक भी कारण पूरा नहीं हो पाया। मतलब जो आप सोचते हैं जिस चीज़ का पर्पस है, वो पर्पस ही फुलफिल नहीं हो पाया। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहना, मैं आपको फैक्ट बताऊँगा ऐसा क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। तो गाइस चलते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे एक छोटा सा ब्रेक लिया था गन्ने के जूस जूस पी के मिलता है इससे। गाइस अपनी मंजिल आती हुई हो रही सामने अपनी मंजिल। गाइस 25 रुपीस की टिकट है गाइस, और ये अपनी मेन एंट्रेंस है। चलते हैं ऊपर, दिखाते हैं आपको हम चीज़ें क्या क्या है देखने के लिए। सो गाइज, हम लोग किले की मेन एंट्रेंस पे आ चुके हैं। टिकट मैंने आपको दिखा दी है 25 रुपीस की, ज़्यादा कुछ महंगी नहीं है। ये अपना किले का मेन एंट्रेंस का गेट है। तो आप लोग, मैं अंदर चलता हूँ फिर बात करता हूँ आप लोगों से। बड़ा ही डरावना किला है यार। लाइट थोड़ी कम है गाइस। तो गाइस बड़ी ही डरावनी प्लेस लग रही है मुझको। तुझे पीछे मतलब अभी मैं ऊपर आ रहा था ना गाइस, तो बीच रास्ते में दो तीन जगह चिंगादड़। अब देखना कितनी कम रोशनी है, मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। देखिए रोशनी कितनी कम है अंदर, और बिल्कुल ऐसे काला हुआ पड़ा है। ये तो पीछे की साइड ओपन था तो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, लेकिन अंदर भी साइड भी अंधेरा है बिल्कुल ही। से बाहर जाता हूँ आपके लिए, रोशनी अच्छी आ जाएगी। हाँ तो देखते हैं गाइस, ऊपर जाते हैं देखते हैं। महल काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है, आप लोगों को महल के सिनेमेटिक्स भी दिखाऊंगा मैं। बट अभी चलते हैं फर्स्ट फ्लोर, सॉरी कितने सेवन्थ, सात फ्लोर का ये महल है गाइस। सात फ्लोर का ये महल है, इसमें से दो फ्लोर अंडरग्राउंड है जो अब अनयूजेबल है, मतलब उनको ओपन कर दिया गया है, सरकार ने बंद कर दिया है। और बाकी जो पाँच फ्लोर है वो ओपन है, तो वो यूजेबल है। तो अपन उसी पर चल रहे हैं। अभी शायद फोर्थ या थर्ड फ्लोर तक पे आ चुके हैं, तो अब चलते हैं फिफ्थ फ्लोर पे। थोड़ा सा ओपन एरिया आ गया था तो मैं आपसे बात करने के लिए आ गया। चलते हैं ऊपर फिर देखते हैं कैसा है अंदर गाइस। सो गाइस, ऐसी कुछ सीढ़ियां हैं, बहुत ज्यादा स्टीप है, मतलब एक बार में एक ही इंसान ऊपर से नीचे जा सकता है। तो चलो गाइस चलते हैं ऊपर। तो गाइस इस समय मैं हूँ इस महल के थर्ड फ्लोर पे, और थर्ड फ्लोर पे जो एरिया बना हुआ है, मेरे हिसाब से यहाँ पे मंत्री लोगों जो होंगे वो लोग रहते होंगे। मंत्री लोगों के लिए ये एरिया बनाया गया था रुकने के लिए, रहने के लिए, क्योंकि काफ़ी शानदार अली और काफ़ी शानदार स्टाइल से नीचे की तरफ भी बनाया गया है। आप अगर मैं बीचों बीच आता हूँ तो आप देखें ये दो पिलर इतने ही शानदार तरीके से कवर किया गया है। पूरा रास्ता मेरी वजह से ब्लॉक हो रहा है, आप देखें है कि नहीं है शानदार रास्ता। मतलब एक फील के साथ इस पूरे महल को गाइस बनाया गया है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्टनिंग व्यू आ रहा है। तो आप काफ़ी शानदार, काफ़ी बेहतरीन व्यू आ रहा है, तो आप नीचे का व्यू अब इंजॉय करें गाइस।
सो फाइनली गाइस हम लोग ऊपर आ चुके हैं। एक सुरंग सा रास्ता मिला था, मतलब एक जुगाड़ सा रास्ता था, और जुगाड़ के रास्ते से ऊपर आए हैं। अब देखते हैं ऊपर से ये टावर कितना खूबसूरत है, फिर आपको वीडियो में भी दिखाते हैं कि कितना खूबसूरत बना। सो गाइस इस समय मैं हूँ टॉप फ्लोर पर दतिया पैलेस के, और काफ़ी शानदार इसके नज़ारे हैं गाइस। अंदर से पूरा ही पूरा मतलब एक तरह से सेम स्टाइल में बना हुआ है चारों तरफ से, और बीच में एक टावर है गाइस, काफ़ी शानदार व्यू है, और बाहर से भी काफ़ी शानदार व्यू है। तो मैं आपको दोनों दिखाता हूँ, तो आप लोग साथ बने रहना। नाउ द टाइम इज़ फॉर द सिनेमैटिक शॉट ऑफ दतिया पैलेस। तो गाइस सिनेमैटिक कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, ये जो पैलेस है ये बनवाया गया था जहांगीर के लिए वीर सिंह बुंदेला की तरफ से। वीर सिंह बुंदेला जो बुंदेलखंड के राजा थे, उन्होंने इसको बनवाया था 16th century में, और ये 9 years में कम्प्लीट हुआ था गाइस। 9 years में कम्प्लीट हुआ था, 35 lakh रुपीज़ इस पैलेस पर पूरे खर्च हुए थे। बट आपको एक मैं और बात बताता हूँ कि आप सुन के शौक हो गए, बनवाया जहांगीर के लिए गया था ना, वीर सिंह बुंदेला आए इस महल में और ना ही जहांगीर आए, तो इस महल में आज तक कोई रहा ही नहीं, इस महल का कभी इस्तेमाल हो ही नहीं पाया। तो अब आप सोचेंगे कि वीर सिंह बुंदेला जहांगीर के लिए क्यों बनवाया, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। एक जंग हुई थी वीर सिंह बुंदेला और जहांगीर के बीच में, तब जहांगीर और वीर सिंह बुंदेला के बीच में दोस्ती हो गई थी, तो दोस्ती के तोहफे के तौर पर इसको बनवाया गया था जहांगीर के लिए, और सिर्फ बनवाया था जहांगीर आ रहे थे जब वीर सिंह बुंदेला से मिलने के लिए, तो सिर्फ एक दिन के लिए उनके रुकने के लिए इस महल को बनवाया गया था, मगर इस महल का इसका उपयोग ही नहीं हो पाया। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बनवाई किसी पर्पस से जाती हैं बट वो पूरी नहीं हो पाती हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हर पर्पस फुलफिल हो जाए ज़िंदगी में। तो काफ़ी खूबसूरत महल है गाइस, देखते हैं और कुछ होता है तो वो भी आपको मैं दिखाऊँगा। बाकी जब एंड करेंगे ब्लॉग तो मिलते हैं गाइस। ये देखिए गाइस शानदार नज़ारा, इस बीच में से एक टावर है और चारों दिशाओं से एक सा, और ये साइड से कॉरिडोर बनाए गए हैं, पूरे चारों डायरेक्शन में कॉरिडोर है, जैसे सेम जहांगीर महल में भी था जो मैंने देखा था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आई बटन में आपको उसका लिंक दे दूँगा। अगर इस कॉरिडोर से अपन चलते हैं तो एक्सटीरियर का व्यू मिलता है गाइस। अपन यहाँ पर छोटे छोटे से ऐसे रोशनदान बने हुए हैं जिससे आप बाहर का लुत्फ उठा सकते हैं इस कॉरिडोर से, और छोटे छोटे रोशनदानों के बाहर एक बड़ा सा गेट आता है जिससे अपन बाहर के नज़ारे का खूब ही ज़्यादा अच्छी तरीके से लुत्फ़ उठा सकते हैं। देख सकते हैं चारों दिशाओं से इस रिवर ने इस पैलेस को घेर रखा है। खाकी रिवर इसका नाम है गाइस, काफ़ी शानदार व्यू है, और मुझे तो इस टावर से प्यार हो चुका है। आप देखें कितना ही शानदार है, काश मैं उस टॉप फ्लोर पे जा सकता होता बट सारे रास्ते बंद हैं तो मैं जा नहीं सकता हूँ गाइस। चलो 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 देखते हैं क्या क्या और क्या क्या है। चारों कमरे गाइस एक से ऐसे नक्काशी के साथ, देखें ऐसा लग रहा है, मतलब मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, शायद कैमरा उतना जज नहीं कर पा रहा हूँ आपको, मगर मैं बताता हूँ मैं देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि फ्लावर टाइप के बने हुए हैं गाइस। अभी अगर मैं मेन बिल्डिंग की तरफ से आपको दिखाऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा। चलते हैं मेन बिल्डिंग की तरफ, आपको दिखाता हूँ मेन बिल्डिंग। ये रास्ता जाता है ऊपर की तरफ बट लगा है ताला तो अपन ऊपर जा नहीं सकते हैं। मैं इस चीज़ की बात कर रहा था, देखें कितनी शानदार आर्किटेक्चर है, कलाकृति है।
सो गाइस जो आपने टावर देखा, जो मैंने आपको सिनेमेटिक शॉट में एक बीच में टावर दिखाया हुआ है इस पैलेस के, वो टावर के जो बीच का हिस्सा है, उस बीचों बीच हिस्से में जो महाराजा वीर सिंह मुंडेला ने जहांगीर के लिए बनवाया था, वो वहाँ पे उनका बैठने का स्थान बनाया गया था कि महाराज आएंगे तो वो जहांगीर जो आएंगे वो बीच में बैठेंगे और चारों दिशाओं से वो महल एक सा लगेगा। कैसा? चारों दिशाओं से देखें आप वीडियो में कैसा। सो गाइस इस किले की एक खासियत है कि ये बनाया गया है दो आर्किटेक्चरिंग स्टाइल पे, एक मुगल और एक राजपूत आर्किटेक्चरिंग स्टाइल पे बनाया गया है, जिससे इसका लुक बहुत ही ज़्यादा स्टनिंग हो जाता है। चारों दिशाओं से जैसे ओरछा महल मैंने आपको दिखाया था, जहांगीर महल और राजा महल, आपने मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा, वो भी देखिए, बहुत शानदार वीडियो बनाई थी वो भी मैंने। तो जो ये महल बना है वो सेम स्टाइल या सेम शैली पे आप कह लें बेस्ड है, क्योंकि इसकी भी जो चारों डायरेक्शन है वो बिल्कुल ही सेम है, बिल्कुल ही सेम है। आप किसी भी कोने में खड़े हो जाए और अगर महल के बीचों बीच खड़े होंगे तो महल के बीचों बीच से चारों तरफ का डायरेक्शन बिल्कुल ही ज़्यादा तरीके से सेम है गाइस। द टाइम इज़ टू एंड दिस वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी कैसी नहीं आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। काफ़ी शानदार महल बना हुआ है गाइस, काफ़ी शानदार व्यू थे एक्सटीरियर और इंटीरियर की, मुझे बहुत पसंद आया महल, अपने दिल से बताता हूँ गाइस। आप लोग ज़रूर आइएगा, अगर कोई ग्वालियर में रहता है तो वो उसके लिए 60 to 65 किलोमीटर के अराउंड है, और झांसी में कोई रहता है तो उसके लिए सिर्फ 25 or 30 किलोमीटर अराउंड है। मैं तो बाइक से आ गया था गाइस, आप लोग कैसे भी आ सकते हैं। थोड़ी गर्मी ज़्यादा है गाइस, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ बाहर नहीं आ पा रही है, एग्जॉस्टेड हो गया हूँ, पानी भी कहीं आसपास था नहीं और बाहर से लेना मैं भूल गया था, और इस समय मैं व्यू को देख के ही आपसे बात कर रहा हूँ गाइस। चलते हैं, मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।